हद्दों के 17 मददगारों पर कार्रवाई हो भी चुकी है। मददगारों में पुलिस वाले भी हैं और बद्दू की प्रेमिकाएं भी हैं। विदेश भागने की आशंका के चलते मेरठ पुलिस अब बद्दू की तलाश में इंटरपोल और सीबीआई की मदद भी ले रही है। इसी पर रिपोर्ट देखिए। बद्दू के मामले में कहानी कुछ और है। वो दीवाना तो अकेला था, लेकिन उसकी हसीनाओं की कोई गिनती नहीं थी। जो एक बार मिले वो बद्दू की दीवानी हो जाती थी। और खूंखार बदमाश बदन सिंह बद्दू भी अपनी हसीनाओं की दिल खोलकर मदद करता था। मार्च 2019 में मेरठ के मुकुट महल होटल से जब बदन सिंह बद्दू फरार हुआ था, तो शहर के एक मशहूर डॉक्टर की बेटी अदिति ने उसकी मदद की थी। पार्लर चलाने वाली अदिति ने बदन सिंह बद्दू का पूरा हुलिया ही बदल दिया था, जिससे उसे कोई पहचान ही ना सके। लिए एसटीएफ की टीम भी लगी हुई है, जनपद मेरठ में भी विशेष टीम बनाकर इसके लिए लगाई गई है और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही जो विधिक कार्रवाई होती है उसके फरार होने पे 83 की, उसके घर की पूरी तरह से पिछले सप्ताह कुड़की की गई है। सारा सामान जो मोबाइल्स ऐसा प्रॉपर्टी थी उसको पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है और इसके अलावा गैंगस्टर के तहत भी कार्रवाई के लिए विधिक राय ली जा रही है। बद्दू की हसीनाएं सिर्फ मेरठ में ही नहीं थी बल्कि दिल्ली से लेकर हरियाणा तक बद्दू को चाहने वाली खूबसूरत हसीनाओं की लाइनें लगी थी। मेरठ की अदिति की खास दोस्त गुड़गांव की प्रीति भी बदन सिंह बद्दू की पुरानी गर्लफ्रेंड थी। फिटनेस चेन की मालकिन प्रीति ने बद्दू को शरण भी दी और उसकी फरारी में मदद भी की। प्रीति और बद्दू के बच्चे एक ही स्कूल में देहरादून में पढ़ाई करते थे। पहली मुलाकात में ही प्रीति बदन सिंह बद्दू को अपना दिल दे बैठी थी। बदन सिंह बद्दू से अदिति की मुलाकात गुड़गांव की प्रीति ने कराई थी, जो अदिति की पुरानी दोस्त थी। इन्हीं दिनों अदिति का अपने ज्वेलर पति से अलगाव का मामला भी चल रहा था, जिसको सेटल कराने में बदन सिंह बद्दू ने बड़ी भूमिका निभाई। उसने अपनी दबंगई का इस्तेमाल करते हुए अदिति के ज्वेलर पति से उसको करोड़ों रुपए का मुआवजा दिलवाया। इस सेटलमेंट के बाद अदिति का पति शहर से अपना कारोबार समेटकर रफू चक्कर हो गया। फिलहाल खूंखार बदमाश बदन सिंह बद्दू पर 2.5 लाख का इनाम घोषित है। कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुके बद्दू पर अब गैंगस्टर की कार्रवाई की तैयारी है। पूरे देश के अखबारों में बदन सिंह बद्दू के इश्तेहार छापे जा रहे हैं। यूपी पुलिस को बस बदन सिंह बद्दू चाहिए, वो जिंदा हो या फिर मुर्दा, किसी भी हालत में पुलिस को बदन सिंह बद्दू चाहिए। बद्दू की फरारी में जो बड़े मददगार थे उनमें अदिति और प्रीति भी शामिल थीं, लेकिन तब के एसएसपी नितिन तिवारी ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। उल्टे एसएसपी और डीएम ने मिलकर भूपेंद्र बाफर जैसे गैंगस्टर को बद्दू की गिरफ्तारी कराने की खातिर सरकारी गनर तक दे दिए थे। बाफर ने इन गनर्स का इस्तेमाल मुजफ्फरनगर में रोहित सांडू जैसे बदमाश की फरारी के लिए किया, जिसमें एक दरोगा की हत्या तक कर दी गई। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।